अच्छा यहाँ पर एक और जोकर टाइप का आर्ग्यूमेंट था जो मैंने एक और वीडियो में देखा। कोई बंदा खड़े होकर बोलता है कि ध्रुव तो हरियाणा से है, पर हरियाणा में ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन नहीं है, और ये तो जर्मनी में रहता है, यहाँ पे कोई फिर से ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन नहीं है। इसको कैसे हक मिला इस चीज पर कमेंट करने का? इंसान पैदा हुआ हरियाणा में जहाँ 7% मुस्लिम पॉपुलेशन है, मतलब अगर बैचलर कोई जर्मनी में जाकर कर रहा है जहाँ वो रहता था वहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन बिल्कुल भी नहीं थी, तो ऐसा बंदा डिजर्व कैसे करता है कि हिंदू मुस्लिम जो प्रॉब्लम चल रही है इंडिया, फिर अगर कोई है तो उस पर कमेंट करने का, वो डिजर्व कैसे करता है? सिर्फ अखबारों को पढ़ के, फैक्ट्स को गैदर करके, रिसर्च आर्टिकल्स को पढ़ के कोई कैसे कमेंट कर सकता है? तो इस बंदे से मैं पूछना चाहूंगा, क्या ये मेरे घर में रहा है? अगर ये मेरे घर में नहीं रहा तो मेरे ऊपर कमेंट करने का इसको कोई हक नहीं बनता। अच्छा वैसे हम में से कोई अमेरिका में भी नहीं रहा तो हमें अमेरिका के ऊपर कमेंट करने का भी कोई हक नहीं बनता। इनफैक्ट जहां जहां आप रहे हो बस उसी के एरिया में आपका हक बनता है कमेंट करने का। ए, उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। कोई इस जोकर को समझाओ कि अखबारों का पर्पस क्या होता है, इन्फॉर्मेशन को अलग अलग सोर्सेज से गैदर करना, रिसर्च आर्टिकल्स क्यों लिखे जाते हैं, सर्वेस क्यों कंडक्ट किए जाते हैं, ताकि इन्फॉर्मेशन को कंसोलिडेट करके लोगों तक पहुंचाया जा सके।